हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी फितूर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नूर नाम के लड़के से जो कश्मीर में रहता है। रात को नूर कहीं जा रहा था तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम मिर्ज़ा था और वो नूर को धमकी देता है कि अगर उसने उसे खाना नहीं दिया तो वो नूर को खा जाएगा। अब ये सुनकर नूर काफ़ी डर जाता है लेकिन अपने घर जाकर वो मिर्ज़ा के लिए खाना लेकर आता है। खाना खाने के बाद मिर्ज़ा के अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाती है जिसके बाद वो नूर के साथ बातें करने लगता है और तभी देखता है कि नूर को पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। अब इससे पहले कि मिर्ज़ा नूर से कुछ कहता वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये देख कर मिर्ज़ा वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद नूर भी अपने घर आता है और अपनी दीदी और जीजू को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। दूसरे दिन नूर की बहन रुखसार उसे डांटने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि नूर रात को घर से बाहर गया था। इसलिए रुखसार उसे जीजाजी के साथ बेगम की हवेली जाने के लिए कहती है क्योंकि नूर के जीजाजी को हवेली पर कुछ काम मिला था और नूर उनकी मदद करने वाला था। जिसके बाद दोनों हवेली पर जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तभी नूर की नज़र फिरदौस पर पड़ती है जो बेगम की इकलौती बेटी थी। नूर जब पहली बार फिरदौस को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। फिरदौस भी नूर को देखती है लेकिन वो उसे काफ़ी एटीट्यूड दिखा रही थी। जिसके बाद फिरदौस की नज़र नूर के जूतों पर पड़ती है जो कि काफ़ी ख़राब थे। दूसरे दिन नूर जब काम पर आता है तो फिरदौस उसे बेगम जान के पास लेकर जाती है। बेगम जान नूर से कहती है कि फिरदौस ने उसकी काफ़ी तारीफ की है इसलिए वो नूर को परमानेंट जॉब दे देती है और अब से नूर उनके घोड़ों के अस्तबल में काम करने वाला था। अब ये सुनकर नूर काफ़ी खुश था क्योंकि उसे वहाँ से काफ़ी पैसे मिलने वाले थे। अब ये बात जब रुखसार और उसके पति को पता चलती है तो वो दोनों भी काफ़ी खुश थे क्योंकि काफ़ी अच्छा इनकम आ रहा था और नूर भी बहुत खुश था क्योंकि वो फिरदौस के साथ वक्त बिता सकता था। अब दोनों काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड करने लगे थे क्योंकि फिरदौस को हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अब वो दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं और फिरदौस उसे अपना दोस्त बना लेती है। वो नूर से कहती है कि आज से वो उसका दोस्त है इसलिए वो चाहती है कि अगले हफ्ते वो उसके बर्थडे पार्टी में आए। अब ये सुनकर नूर काफ़ी खुश हो जाता है और बर्थडे का इंतज़ार करने लगता है। तो वही हम फिरदौस को देखते हैं जो बेगम जान को बता देती है कि उसने नूर को बर्थडे को इनवाइट किया है लेकिन ये बात बेगम जान को अच्छी नहीं लगती। तो वही हम नूर को देखते हैं जो बर्थडे की शॉपिंग कर रहा था। वो जब शॉपिंग करके वापस आ रहे थे तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें रुखसार की मौत हो जाती है। अब रुखसार की मौत की वजह से नूर फिरदौस की बर्थडे पार्टी पर नहीं आ पाता लेकिन वो अगले ही दिन फिरदौस की हवेली पर जाता है तो वहाँ पर फिरदौस नहीं थी। बेगम उसे बताती है कि फिरदौस आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। अब ये सुनकर नूर काफ़ी नाराज़ हो जाता है। तो बेगम उससे कहती है कि वो जानती है कि नूर फिरदौस को पसंद करता है लेकिन फिरदौस को पाने के लिए उससे पहले फिरदौस के काबिल बनना पड़ेगा इसलिए वो नूर से कहती है कि वो अपने काम पर फोकस करे। जिसके बाद 10 साल बीत जाते हैं और अब नूर बड़ा हो चुका था। वो काफ़ी अच्छे आर्ट बनाता था इसलिए वो काफ़ी फेमस था। तभी उसके पास बेगम आती है जो उसके आर्ट्स की काफ़ी तारीफ करती है और नूर के कुछ आर्ट्स भी खरीदती है। अब नूर उसे फिरदौस के बारे में पूछता है तो बेगम बताती है कि फिरदौस दिल्ली में है और उसकी बिलाल के साथ शादी फिक्स हो गई है। बेगम बताती है कि फिरदौस बिलाल को काफ़ी पसंद करती है इसलिए बेगम भी उसे मना नहीं कर पाई और जल्दी उन दोनों की शादी होने वाली थी। अब ये सुनकर नूर काफ़ी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो आज भी फिरदौस से बहुत प्यार करता है और उसे लगा था कि फिरदौस भी उसे पसंद करती होगी। अब नूर को एक काफ़ी बड़े आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिलता है लेकिन वहाँ जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी नूर को पता चलता है कि उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। अब ये सुनकर नूर काफ़ी शौक था कि उसे स्कॉलरशिप कैसे मिल गई। तो वो आदमी बताता है कि किसी ने उसके लिए स्पॉन्सर किया है लेकिन वो कौन है उसका नाम वो नहीं बता सकता। अब ये देखकर नूर को लगता है कि ज़रूर बेगम जान ने उसके लिए यह सब कुछ किया होगा लेकिन फिर भी नूर अपने जीजाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसके जीजाजी उसे समझाते हैं कि काफ़ी कम लोगों को अपने सपने पूरा करने का मौका मिलता है इसलिए नूर को भी दिल्ली जाना चाहिए और अपने सपने पूरे करने चाहिए। जिसके बाद नूर दिल्ली आता है जहाँ उसका आर्यन नाम का रूममेट था। अब आर्यन नूर को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर नूर की मुलाकात फिरदौस से होती है। इस बार भी जब वो फिरदौस को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। फिरदौस भी ये सब कुछ देख रही थी और वो नूर से कहती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है इसलिए नूर इस बारे में ना सोचे। जिसके बाद वो दोनों पार्टी करने लगते हैं
और साथी काफी टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। साथी नूर अपने काम पर भी अच्छे से ध्यान दे रहा था और फिरदौस भी उसे सपोर्ट कर रही थी। बार बार बेगम फिरदौस को कॉल करती और उसे याद दिलाती कि उसे नूर से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी बिलाल के साथ शादी तय हो चुकी है। बेगम उसे कहती है कि जो गलती उन्होंने की थी वो फिरदौस ना करे, लेकिन बेगम के समझाने के बाद भी फिरदौस नूर के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाती। अब एक दिन पार्टी के बाद नूर फिरदौस को उसके आर्ट दिखाने लेकर आता है, जहाँ पर फिरदौस देखती है कि नूर ने उसकी काफी सारी पेंटिंग्स निकाली थी और ये देखकर फिरदौस भी काफी शौक थी। तब वहाँ पर नूर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन फिरदौस वहाँ से जाने लगती है। नूर फिरदौस को बताता है कि जब उसने पहली बार फिरदौस को देखा था तब से वो उससे प्यार करता है। अब ये सुनकर फिरदौस भी वहाँ पर रुक जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन फिरदौस को ये सारी चीजें काफी गलत लग रही थी, तभी उसे बेगम का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो बहुत बीमार है। अब ये सुनने पर नूर वापस कश्मीर आती है, लेकिन आने से पहले उसने नूर के लिए एक लेटर लिखा था। नूर जब लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि फिरदौस फिर से उसे छोड़कर जा चुकी है। फिरदौस ने लिखा था कि वो वापस कभी नूर के पास नहीं आएगी। अब ये सुनकर नूर काफी नाराज हो जाता है क्योंकि फिरदौस फिर से उसे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद नूर भी कश्मीर आता है और बेगम की हवेली में आकर फिरदौस को बुलाने लगता है। तभी वहां पर बेगम आती है और बताती है कि फिरदौस और बिलाल की एंगेजमेंट होने वाली है। बेगम कहती है कि उसे लगा था कि शायद फिरदौस नूर को पसंद करती होगी, लेकिन फिरदौस तो बिलाल को पसंद करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है। तभी वहां पर फिरदौस भी आती है और नूर को डांटने लगती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिरदौस उसे समझाती है कि वो उसका पीछा ना करे, उसकी बिलाल के साथ शादी होने वाली है इसलिए नूर उसे भूल जाए। अब ये सुनकर नूर का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है, लेकिन नूर फिरदौस को भूल नहीं पा रहा था। तो वही फिरदौस काफी कंफ्यूज थी कि उसे बिलाल के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं। तभी वहां पर बेगम आती है और उसे समझाती है कि बिलाल ही उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन फिरदौस को कंफ्यूज देखकर बेगम उसे याद दिलाती है कि वो उसे सड़क से लेकर आई थी। अब ये बात सुनकर फिरदौस काफी इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है, जिसके बाद फिरदौस और बिलाल की एंगेजमेंट हो जाती है। तो वही हम नूर को देखते हैं जो वापस अपने काम पर लग जाता है, लेकिन एक दिन ऑक्शन में उसे फिरदौस और बिलाल दिखाई देते हैं। अब फिरदौस को देखकर नूर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो फिर से फिरदौस को बताने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब नूर के जीजाजी वहां पर आते हैं और नूर को छुड़वा देते हैं। नूर काफी दुखी था क्योंकि उसने सबको अपसेट कर दिया था। वो अपने जीजाजी से वादा करता है कि अब वो बस अपने काम पर फोकस करेगा और फिरदौस को भूल जाएगा। तभी नूर को लंदन से ऑफर आता है और वो लंदन चला जाता है। वहां पर नूर अपने आर्ट्स बनाता है जिसकी काफी लोग तारीफ कर रहे थे। एक्चुअली नूर ने ये सारे आर्ट्स फिरदौस की याद में बनाए थे। एक दिन वहां पर बेगम आती है और वो भी उसकी काफी तारीफ करती है और नूर से कहती है कि आखिर वो फिरदौस के काबिल बन ही गया, लेकिन क्या फायदा क्योंकि फिरदौस तो उसे प्यार नहीं करती। अब ये सुनकर नूर काफी हर्ट हो जाता है और फिरदौस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन बेगम उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है। तभी नूर की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसे लिफ्ट देता है। अब नूर को वो आदमी अपने घर पर लेकर आता है। तब नूर को पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मिर्जा है, जिसे मूवी के स्टार्ट में नूर ने खाना खिला दिया था। मिर्जा नूर को बताता है कि वो जानता था कि नूर एक काफी टैलेंटेड लड़का है और इसीलिए उसने नूर को स्कॉलरशिप दी थी। उसने नूर का दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन करवाया था और लंदन वाली ऑफर भी मिर्जा की वजह से ही नूर को मिली थी। अब ये सुनकर नूर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब तक नूर को लगता था कि उसने अपने काबिलियत पर सब कुछ किया था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि इस सब के पीछे मिर्जा का हाथ था। इसलिए नूर उससे गुस्सा हो जाता है और वहां से चला आता है। तभी नूर को रियलाइज होता है कि अब तक उसे लगता था कि बेगम जान उसे सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब नूर को क्लियर हो चुका था कि अब तक उसे जो भी सपोर्ट मिला था वो मिर्जा से हुआ था और बेगम जान उसे फिरदौस से दूर कर रही थी। इसलिए वो बेगम से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद हमें बेगम की कहानी पता चलती है। एक्चुअली जब बेगम जवान थी तो उन्हें एक मुक्ति नाम के आदमी से प्यार हो गया था। मुक्ति से वो बहुत प्यार करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन एक दिन बेगम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्होंने मुक्ति के साथ भाग जाने का प्लान बनाया। वो अपनी सारी ज्वेलरी लेकर मुक्ति के साथ भाग गई, लेकिन मुक्ति उन्हें अकेला छोड़कर गहने लेकर भाग गया।
अब बेगम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने घर वापस आ गई। लेकिन बेगम के पापा काफी गुस्सा हो गए थे क्योंकि बेगम प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बेगम को काफी पीटा और उसे वैसा ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और उसने अपनी बच्ची को खो दिया। अब इससे बेगम काफी ज्यादा टूट गई थी। तभी उन्हें पता चला कि उनकी एक मेड भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त ही उस मेड की मौत हो गई। इसलिए बेगम ने उस बच्ची को अपना लिया और उसका नाम फिरदौस रखा। अब ये सब सुनकर नूर समझ जाता है कि बेगम उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी। एक्चुअली बेगम ने जब नूर को पहली बार देखा था तो उन्हें नूर के अंदर मुक्ति नजर आया था, और नूर को देखकर उन्हें ऐसा ही लगता कि जैसे मुक्ति ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वैसे ही नूर भी फिरदौस की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन बाद में बेगम को एहसास हो गया था कि नूर सच में फिरदौस से काफी प्यार करता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अब नूर सब कुछ समझ गया था, इसलिए वो गुस्से में आकर सारे आर्ट चला देता है, जिसके बाद नूर सब कुछ छोड़कर वापस कश्मीर चला जाता है। तो वही हम बेगम को देखते हैं जो इस बात को भूल नहीं पा रही थी कि किस तरह मुक्ति ने उन्हें धोखा दिया था, और वो आज भी मुक्ति को याद करती थी और उसी चक्कर में वो खुद को खत्म कर लेती है। बेगम की मौत के बाद फिरदौस को पता चलता है कि बेगम नूर से मिलने गई थी। अब ये बात सुनकर फिरदौस काफी शॉक थी, क्योंकि बेगम तो नूर को पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो उससे मिलने गई थी। लेकिन ये बात सुनकर बिलाल फिरदौस पर गुस्सा होता है, क्योंकि फिरदौस अभी भी नूर के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद फिरदौस बेगम को लॉकेट ओपन करती है तो उसके अंदर मुक्ति और बेगम की तस्वीर थी। ये देखकर फिरदौस समझ जाती है कि बेगम आज भी मुक्ति से प्यार करती थी। भले मुक्ति ने उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन वो मुक्ति को भूल नहीं पाई और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। और ये देखकर फिरदौस भी समझ जाती है कि वो नूर से प्यार करती है, और अगर उसने बिलाल से शादी कर भी ली तो भी वो कभी नूर को भूल नहीं पाएगी। इसलिए फिरदौस अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है और नूर के पास चली जाती है। नूर को भी पूरा यकीन था कि फिरदौस एक दिन उसके पास जरूर आएगी। वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फितूर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।